हाय फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मेल बॉक्स में मिल सके। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है TCP IP प्रोटोकॉल सूट। इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है। तो टॉपिक पर आते हैं, जो हमारा TCP IP प्रोटोकॉल है, तो TCP IP प्रोटोकॉल सूट इंटरनेट में उपयोग किया जाता है और यह है जो है TCP IP प्रोटोकॉल सूट OSI मॉडल से पहले ही डेवलप किया गया था। और TCP IP प्रोटोकॉल सूट में OSI लेयर मॉडल की लेयर के साथ पूरी तरह से मैच नहीं करती हैं। और TCP IP प्रोटोकॉल जो सूट होता है, तो TCP IP प्रोटोकॉल सूट में 5 लेयर्स प्रयोग की जाती है। इसमें 5 लेयर होती हैं। तो पहली हो गई फिजिकल लेयर, और दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर, और तीसरी लेयर जो होती है वह है नेटवर्क लेयर, और इसमें यूज होने वाली चौथी लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, तथा जो लास्ट लेयर यूज होती है पांचवी लेयर, तो वह है एप्लीकेशन लेयर। तो OSI मॉडल की जो सबसे उच्च लेयर एक सिंगल लेयर द्वारा TCP IP में जो है तो प्रस्तुत की जाती है कि रिप्रेजेंट की जाती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पर TCP IP दो प्रकार के प्रोटोकॉल को स्पष्ट करते हैं। पहला हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये पहला प्रोटोकॉल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जो दूसरा प्रोटोकॉल है, तो दूसरा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वह है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल दूसरा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। और TCP IP प्रोटोकॉल सूट की लेयर उन इंडिपेंडेंट प्रोटोकॉल को सम्मिलित करती है जो मिक्स की जा सकती हैं और जो है सिस्टम की आवश्यकता अनुसार मैच की जा सकती हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।